ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव। सब लोगों को धन चाहिए और धन के लिए सब लोगों को पता है कि लक्ष्मी की पूजा करनी है। लक्ष्मी की पूजा करनी है उसके लिए उनके मंत्र पढ़ेंगे, उनकी आरती करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बताइए, ऐसा करने के बाद भी क्या आपको नहीं लगता है कि फिर से आपके कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्राप्ति में रुकावट आ रही है, दिक्कतें हो रही है, या फिर आपके पास पैसा आ रहा है, आ तो रहा है, जैसे आ रहा है वैसे ही निकल जा रहा है, क्योंकि आप एक गलती कर रहे हैं। जब भी आपने लक्ष्मी की पूजा करनी है तो आप पहले गणेश जी की पूजा कीजिए। जब भी पैसा आता है अपने साथ मुसीबतें लेकर के आता है, परेशानियां लेकर के आता है, क्लेश लेकर के आता है, और आपने उसके लिए पहले गणेश जी की पूजा करनी है। वो विघ्न हरता है, वो शुभता लेकर के आते हैं। गणेश जी आते हैं तो उनके साथ रिद्धि सिद्धि साथ में ही आ जाती है। तो आपका जो धन आ रहा है वो सही तरीके से खर्च हो, सही तरीके से आए, किसी गलत चीज़ में ना लगे, बीमारी प्रॉब्लम्स इन चीज़ों में ना लगे। जितना आपके पास धन आए उतना धन सही तरीके से आप यूज़ कर सकें, सही चीज़ों में जाए और आपको सही तरीके से धन मिले, वो भी ज़रूरी है। तो लक्ष्मी के साथ जब भी आप लक्ष्मी माँ की पूजा करें, आप साथ में गणेश जी की पूजा जरूर कीजिए, उससे पहले कीजिए, ताकि आपको उसकी शुभता मिल सके, पॉजिटिविटी मिल सके। देखिए, जब भी धन आता है तो लड़ाई झगड़ा परेशानियाँ अपने साथ लेकर के आता है, बहुत बड़ी परेशानियां अपने साथ लाता है, आपके जीवन में समस्याएं भी लाता है। धन यूं ही नहीं आ जाता, अपने साथ इतना बड़ा अंबार लेकर के आता है आपके ऊपर, बोझ का, टेंशंस का। तो आपको ज़रूरी है कि आप पहले गणेश जी की पूजा करें, ताकि वो पहले आपके उन टेंशंस को ख़त्म कर लें, कि वो काम उनका हो जाएगा, फिर आपका नहीं रहेगा। तो ठीक तरीके से लक्ष्मी माँ की पूजा कीजिए, ताकि आपको सही धन मिले और आपका प्रॉपर सही चीज़ों में खर्च भी हो। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव।